राकेश टिकैत जी को जानते हैं आप? गुंडिया गुंजान से हम कल दिल्ली के अंदर जा रहे थे, जंतर मंतर पर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या कहना चाहोगे इस पर? बस जेल में रखो जाओ जी। किसान नेता है वो तो कसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे भी नहीं है? ना। कितने नाराज क्यों है उनसे? बता, नाराज जो है जो निगम में काम करेगा उसका नाराज कोई होगा चाहे बेटा ही हो, उनका फायदा करे अन्न की सड़क उन्हें तो बड़ा बजा वहाँ जी ममता आवाज जावे मारे था मामा है सिसोली में। अच्छा, सिसोली में मामा जी है आपके? हाँ। तो क्या कहते हैं सिसोली के लोग? काम इतने करे उन्होंने निगम में, काम क्या कर दिया उन्होंने निगम में? थोड़ा निगम में कर दिया बैठ के यहाँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में बैठ के? हाँ, बैठ के रहा नहीं हूँ। किसानों के लिए आंदोलन करके आए हैं वो वहाँ पे बैठ के? ना कि ऐसा नहीं कि चाहते नहीं किसानों को वहाँ मरवाने के खाते जो जी। बाबा जी, अच्छा आप सिसोली गांव में आपके मामा जी हैं? हाँ। तो राकेश टिकैत के लिए क्या बोलते हैं उनके गाँव के लोग? ये नु बोलते हैं आज इसे तो बुबड़ इन भी ना तो यहाँ सिसोली में, सिसोली के गांव के लोग ही बोलते हैं। हाँ, सिसोली के बोल रहे हैं। क्या नाम है बाबा जी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल नाम है आपका? हाँ। अच्छा, ये राकेश टिकैत जी को जानते हैं आप? गुंडिया गुंजान से हम। राकेश टिकैत जी गुंडे हो गए? आराम से, देखिए आराम से, थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करिए। ये राकेश टिकैत जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं जी। आपके उत्तर प्रदेश के नेता है, किसान नेता है वो तो कसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे भी नहीं है? ना। कितने नाराज क्यों है उनसे? बता, नाराज जो है जो निगम में काम करेगा उसका नाराज कोई होगा चाहे बेटा ही हो। अच्छा, निगम में काम क्या कर दिया उन्होंने? निगम में थोड़ा निगम में कर दिया बैठ के यहाँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में बैठ के? हाँ, बैठ के रहा नहीं हूँ। किसानों के लिए आंदोलन करके आए हैं वो वहाँ पे बैठ के? ना कि ऐसा नहीं कि चाहते नहीं किसानों को वहाँ मरवाने के खाते जो जी, मरवाने के खाड़े जोड़े। हाँ, वो तो कहते किसानों की मांगों को लेकर बैठे थे। ना, ऐसी मांग नहीं चाहते, जो किसानों की मांग करता हो वो करता गामु गामु आंट का वहाँ के फायदा या उसका नुकसान दस हुआ वहाँ पे? नुकसान हुआ सिर्फ और नुकसान थोड़ा हुआ। वो तो बोल रहे थे कि किसानों के लिए बैठे थे, जो तीन कानून आए थे वो वापस भी करा दिए उन्होंने, किसानों की मांगे कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। कानून नए देश में कानून नहीं पता आपको? ना, उसमें धरती का है, धरती खोस लगा तो फुलाना कर लगा नुकर लगा। वो तो वही बोल रहे थे ना कि ऐसे ऐसे कर देंगे, जमीन खोस लेंगे, हम अपने जमीन के मालिक नहीं रहेंगे, कुछ ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे। जो हम तो जो छोटा काश्तकार है वो तो इसका मालिक और घना बैठ गया था, काश्तकार को नुकसान था। मतलब अगर ये कानून आते तो छोटे काश्तकारों के लिए बढ़िया होते। हाँ, बढ़िया था। अरे बाप, सवाल बेदी के पे दे है और गया कि तो धरती खोस लगा नुकर दगा फुलाड़ा कर दगा। हाँ, कल गिरफ्तार कर लिया था राकेश टिकैत जी को। अच्छा। हाँ, कल दिल्ली के अंदर जा रहे थे, जंतर मंतर पर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या कहना चाहोगे इस पर? बस जेल में रखो जाओ जी। जेल से तो छूट गए, वो कल ही छोड़ दिया उन्हें। उसे छुटवाने हो तो छुटवाना नहीं चाहिए था, वहीं पे रहने चाहिए था। वहीं रहता उनको नहीं, बस इतने खिलाफ क्यों हैं आप उनके? हम उससे नु खिलाफ है, सुन ला किसान हुआ करा कौन सा फायदा करा उन्हें किसान हुआ कोई सा फायदा उन्हें तो बड़ा बजा वहाँ जी ममता आवाज जावे मारे था मामा है सिसोली में। अच्छा, सिसोली में मामा जी है आपके? हाँ। तो क्या कहते हैं सिसोली के लोग? काम इतने करे उन्हें, उन्होंने कुछ मुंड भर की दर्शी ले रखी है, कुछ मुंड भर आएंगे सो सोच देंगे जी। ऐसी बात है, उसमें वे कहने लगे एक कून सी है उन्होंने वो बनाया था वहां से वो घेरा कर रहा था। क्या बनाया था? और ये था होल सा बनाया था ना, वहां से घेर वगैरह बनाया था? ना, घेर नहीं, किसान भवन बनाया था। किसान भवन बनाया था,
जमीन किसकी थी? जमीन तो सरकारी थी, पंचायती जमीन पे उन्होंने किसान भवन बनाया था। तो फिर क्या हो गया? अगर किसान भवन हो गया भवन, सुन ला, एक कुंड सिद्ध जी थे जी, वे राज्य में क्या अंदर गए? अगर राज्य में चाहे तो या दो विश्वास है, 15-20 विश्वास ले ले मेरे पे तो, और चाती में हाथ मार के कहने लगा अग मत अपने दम का डुम्मा गिट हुए वहाँ बंधु वो चल पड़े हथियार भी चले मनस तो वहाँ मरे नहीं आदलो तो दे नहीं गई वहाँ वो किसान भवन ही खत्म हो गया। आज तक नहीं दी गई, किसान भवन खत्म हो गया। खत्म ही हो गया जब नेता उसमें एक कक ट्रक तो एक कक डुक गया था उसमें घी के कनस्तो तो भर रहा और ठेक लगी रही नाच की। अरे जब वहाँ कुछ नहीं कुत्ते रोने लगे, कुत्ते रोने लगे। हाँ हाँ बाबा जी। अच्छा आप सिसोली गांव में आपके मामा जी हैं, तो राकेश टिकैत के लिए क्या बोलते हैं उनके गांव के लोग? ये नु बोलते हैं आज इसे तो बुबड़े भी ना तो यहाँ सिसोली में, सिसोली के गांव के लोग ही बोलते हैं। हाँ सिसोली के बोल रहे हैं, इतने जितना बैठिया हुआ है। आप तो बैठते होंगे वहाँ पे जाके जब भी जाते होंगे मामा के घर? ना हम तो मामा पापा के बैठ जाओ। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह आप क्या करते जो राकेश टिकैत है इनका समर्थन करते हैं या नहीं? हम तो समर्थन सब का करें, जो कोई बढ़िया काम करेगा उसका समर्थन करेंगे, जो गलत काम। क्या ये राकेश टिकैत बढ़िया नहीं कर रहे काम? नहीं काम बढ़िया करा था, लेकिन बाद में जो है इसने बढ़िया काम नहीं करा, क्योंकि वहाँ से उठ के भाग लिया, पब्लिक को वहाँ फंसवा दिया था दिल्ली में। जब वापसी हो गए तो आएंगे वापसी तो आंदोलन शुरू हुआ तो ट्रैक्टर फंसवा दिए, ट्रैक्टरों में छुड़वा दिए, वहाँ पुलिस ने छूट दिए थे उनमें भाले, वो भी हुआ। तो जो अच्छा काम था उसमें तो करे नहीं उन्होंने, और जो गलत काम था उस पर लेकर चल पड़े, अपनी आमदनी के पीछे पड़ गया फिर कि पैसा मिल जाता जाए टूट के भाग ले। वो अपने बापू वाला काम। यूपी वालों को अलग से ही बहम हो रखा है सबको कि पैसे कमा के आए, पैसे कमा के आए, कहाँ कमाए पैसे? आपने देखे हैं क्या? इसके बाप ने भी तो पैसा कमाया, इसके बाप ने भी तो वे इसके पास में जमीन कहाँ थी इतनी, 5-7 बीघे जमीन सारी थी इसके पास में। वो तो जनता ने पब्लिक ने ही तो पैसे दिया उसे, पब्लिक ने तो उठाया ही, वो इसका बाप भी पब्लिक ने उठाया। इसके बाप को जहाँ से इसने धरना दिया, जहाँ इसने आंदोलन करा वहीं से जो है पैसे मिले और भाग लिया। इसके पास में कौन से परमिट थे गाड़ी के? दुनिया भर के परमिट इसे मिल गए, वो सब जो है पब्लिक से ही तो मिला, अपने घर से थोड़ी खरीद लिया इसने, पब्लिक से तो पैसा कमाया, कुछ गवर्नमेंट ने दे दिया जाए अगले लेके खड़ा हो जाएगा। अपने स्वार्थ को थे ये पब्लिक के स्वार्थ को। ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो ये समस्याएं हैं किसानों को, किसानों की बात भी करते हैं या नहीं? किसानों की बात करते हैं, ये किसानों की बात तो मैं आते मानते नहीं, किसानों की बात किसान भी तो अपनी बात को कहेंगे ना, लेकिन किसान मान ये लोग किसानों की मानते हैं ना, ये राकेश टिकैत भी नहीं मानते, किसानों के तो नेता है किसानों की नहीं मानते। वो तो अपनी धकेल ले, वे तो अपनी धकेल ले, वे दूसरों के पब्लिक की सबकी नहीं सुनते, वो तो अपनी धकेल ले। जब आप अपनी बात धकेल लगा तो हमारे आदमी 10 आदमी 10 लोग उसके साथ में है, 2 लोग उसके खिलाफ हो रहे, तो इन 2 लोग की क्या चल रही? वहाँ तो 10 लोग की चलेगी। तो अपनी करते हैं, जो मन में आया वही करते हैं, किसानों की बात नहीं करते, सुनती नहीं कुछ, कौन मर रहा कौन जी रहा कौन के कर रहा। गन्ने के लेकर जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश से सामने आती है, इस पर भी कभी बात की उन्होंने या नहीं? इस पर बात की, लेकिन आज लोग हल कौन सा हुआ? आज तक हल नहीं हुआ। उन्होंने बात करी पैसों के बारे में, इसमें पेमेंट के बारे में बात करी, लेकिन पेमेंट आज तक नहीं हुआ उसके, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, वही पहले वाली बात चल रही आज भी, और पेमेंट जो के तू है रुके हुए पब्लिक के। चलिए ये देखिए उत्तर प्रदेश के नाला गांव में आए और यहाँ पर बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए मिले हमें, तो बात भी की इनसे। राकेश टिकैत जो जंतर मंतर पर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने गए और बीच में उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, इसी पर हम जानने आए थे कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, कि जो राकेश टिकैत वहाँ पर गए हैं उनका समर्थन कर रहे हैं ये लोग या नहीं। तो हमें तो यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिविटी उनके खिलाफ देखने को मिली। इस तरह की और भी वीडियो गाँव शहर से हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, लोकसभा को लेकर हम आपके वीडियो आपके बीच में वीडियो को लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ, मैं हूं साक्षी, धन्यवाद।